म्यूटू वाडू है, इसके पास म्यूटू कहाँ से आ गया? म्यूटू वाई। हेलो ब्रदर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू। सो गाइस, आज हम जाने वाला हमारा जो लास्ट बैच है उसको लाने के लिए, और आप लोग गेस कर सकते हो वो लास्ट बैच अपने को कहाँ मिलेगा। जी हाँ गाइस, वो बैच अपने को मिलेगा नन अदर देन जियोवानी के पास। और लास्ट एपिसोड में हम सिनाबार आइलैंड से हमारा जो 7th बैच है वो लेके आए थे, और अभी तो मैं उस रूट के सारे ट्रेनर से उसको हरा के पैलेट टाउन में आ चुका हूँ। और या पैलेट टाउन में काफ़ी टाइम के बाद आए, मतलब काफ़ी टाइम के बाद, मतलब एपिसोड 1 में हम आए थे। और मैंने मतलब यहाँ पे मतलब मैं एक्सप्लोर कर रहा था, और मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे एक लेक देखी, और मैंने देखा चलो वहाँ पे आगे देखता हूँ आगे क्या है। और मैंने जिसे सब करके आगे देखा, सो मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक पोर्टल दिखाता हूँ, या एरा पोर्टल। और आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा कि यहाँ पे पोर्टल है, तो मतलब समझ लो यहाँ पे एक लेजेंडरी पोकेमोन है। सो ये हम इसको पकड़ने वाले, लेकिन अपने को कुछ पोकेबॉल चाहिए होगी, जो कि आई थिंक मेरे पास होनी चाहिए। नहीं, उतनी ज़्यादा अभी पोकेबॉल्स नहीं है मेरे पास। सो ये हम पोकेबॉल्स लेके आते हैं नेक्स्ट सिटी में से। 65 काफ़ी होगी, या 65 काफ़ी है। और राइट, हम यहाँ पे आ चुके हो, और सबसे पहले मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ यार। सेव करना है बे। और राइट, गेम तो हमारी सेव हो चुकी है, और देखते हैं यहाँ पे कौन सा मतलब लेजेंडरी पोकेमोन है। एक इसको मैं नहीं जानता, ये कौन सा पोकेमोन है भाई, कौन सी जनरेशन का है तू? एकदम अजीब सा है भाई तू, नहीं पकड़ना भाई तेरे को, निकलो यहाँ से। वैसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्टर है वो मतलब कभी वो वापस नहीं चले जाते, अगर हम इसको लूज भी कर देते। मेरे को लगा कोई अच्छा सा पोकेमोन होगा, जैसे कि क्या कहते हैं म्यूटू, लेकिन म्यूटू तो नहीं है। और अभी हम चलते हैं यार अपना मतलब बेच लेने के लिए। और राइट, पहले एक बंदे से फाइट कर देते, फिर मतलब मैं आप लोगों को डायरेक्ट जियोवानी के पास मिलता हूँ, क्योंकि यार ये मतलब कुछ ज़्यादा ही बनना लंबा वीडियो हो जाएगा। और राइट, बहुत ज़्यादा ही पोकेबॉल्स, मतलब बहुत ज़्यादा ही पोकेबॉल्स है यार इसके पास। एक टीम मारते, सेंसलेस है इसके पास, दिक्कत की बात नहीं होगी अपने को। और इसके पोकेमॉन 80 लेवल के है भाई। वैसे अपने भी 80 लेवल के ही है, लेकिन अपना जो टोटेरा वो हमने बस नया नया पकड़ा है। तो यार इसके थोड़ा मतलब कम लेवल है। साले पोशन यूज़ कर लिया यार तूने, हरामखोर। मैंने यूज़ किया क्या अब तक? हालांकि वो बात अलग है, मैं तेरी एचपी ले रहा हूँ। क्रज मार रहे, ओके, इतना नहीं हुआ इसको डैमेज कुछ, या इससे अपने कुछ खास डैमेज नहीं होगा, क्योंकि अपना टोटेला ग्राउंड टाइप ही है, तो दिक्कत की बात नहीं है। और हमने इसके फर्स्ट पोकेमॉन को इजीली हरा दिया है। कौन सा पोकेमॉन आ रहा तेरा? राइहोन। ओ ये दिक्कत की बात ही नहीं, अर्थविक मार दे। मेरे को लगा यार 1 हिट होगा यार, कोई बात नहीं। बड़ी वॉट प्लीज, टीका ड्रिल मारते हैं भाई। उसने भाई मतलब अच्छी खासी अपनी हेल्थ ले ली भाई। ओके, एक्सपी तो अपने को ठीक मिल रही है सारे पोकेमॉन्स को। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन वो जियोडूड का वो आ रहा है, मैक्स वर्जन, मैक्स क्या मतलब सेकंड वर्जन, ग्लेवर यही बोलते हैं ना। और राइट, एक और गीगा ड्रिल, और ये 1 शॉट हुआ, मतलब बढ़िया है। जब पोकेमॉन 1 शॉट होते हैं ना भाई, बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आता है यार कसम से। ओके, हमारा पिकाचू हो चुका है लेवल अप 85 का, नाइस। और कोई होगा लेवल अप? नहीं। और कौन से पोकेमॉन आ रहा है तेरा? जियोडूड, नो प्रॉब्लम बड़ी। अर्थक्वेक मारते, अपना टोटेरा ही मतलब इन लोगों को संभालेगा अभी तो। और इसने कुछ खास एक्सपी तो नहीं दी यार। मेरोवेक, नो प्रॉब्लम मेरोवेक। एक और अर्थक्वेक खा तू। ओके, इसको कुछ अर्थ से ज़्यादा कुछ तो डैमेज नहीं हुआ और इसके डबल एज से अपने को भी कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। और राइट, गीगा ड्रिल में ख़त्म है। और पैसे कितने देगा भाई ये बता तू, पैसे कितने देगा? बस 2000, कोई बात नहीं यार। और मैं आप लोगों को मतलब डायरेक्ट जियोवानी के पास। और रेड गाइस, हमने इसके लास्ट रनर को भी हरा दिया है और अभी हम आ चुके हैं जियोवानी के पास और देखते हैं इसके पास उसके कुछ पोकेमॉन उसने चेंज किया या नहीं। वैसे इसके मतलब ट्रेनर थे वो मतलब 84 83 लेवल के थे इस उनके पोकेमॉन, तो इसके आई थिंक ओके मेरे को लगा 90 लेवल के हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। ये ट्रेन में होते हैं भाई। ओ ये 1 हिट विथ आर 75 लेवल टोटेरा, बताओ बढ़िया बात है। पूरा नहीं कह रहा मैं, बहुत बढ़िया कह रहा हूँ। उसका कौन सा नेक्स्ट पोकेमॉन था मैं देख नहीं पाया। ओ निडोक्वीन, तेरी क्वीन में सारी निकालता हूँ, कहाँ की क्वीन है मैं दिखाता हूँ तेरे को। ओके, मेरे को लगा मैं 1 हिट मारूंगा, लेकिन इसने आइस पंच किया जो कि काफ़ी खतरनाक मूव है मेरे लिए, मतलब टोटेरा के लिए। नो प्रॉब्लम, एक गीगा ड्रिल मारते और ख़त्म। नहीं हुई सीट में भी दिक्कत हो सकती है, नहीं उतनी भी नहीं। अपना टोटेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, 75 का, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। मतलब इतनी मार खाने के बाद मतलब टोटेरा मतलब समझ जाओ मरा नहीं फिर भी, और उसने मतलब उसने तो फिर भी हील कर दिया था। और हमारा चार्जर लेवल अप हुआ था यार अभी। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन निडोकिंग है, हम अपने चार्जर को निकालते हैं भाई इसी बात में। चार्जर्ड एक्स अभी करते हैं भाई। चार्जर्ड एक्स मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है, पता नहीं मैंने मतलब कितनी बार मतलब मैंने कह दिया होगा इसको, मतलब इस चीज़ को इस चैनल पे। चार्जर्ड एक्स और आउट रेंज करते हैं भाई। और ये आउट रेंज, ओ ये 1 हिट, बढ़िया बे। अपना चार्जर्ड ओपी भाई, जो भी बोलो। अपना टोटेरा भी लेवल अप हुआ 76 का, बढ़िया बात है। इसी तरह मतलब सारे पोकेमॉन अपने लेवल अप हो रहे, अच्छी बात है भाई। डक्ट्रियो आ रहा है, कोई बात नहीं। और इसके बाद इसका एक और पोकेमॉन बचा है बेटे, इस झटके से अपने को कुछ नहीं होने वाला। ओके, सुपर इफेक्टिव यार अपने को कैसे, मतलब चार्जर एक फ्लाइंग टैप भी तो है ना, मतलब इसको ये मतलब ग्राउंड टैप मुंह से इसको डैमेज ही नहीं होना चाहिए। फ्लाइंग टैप भी तो है अपना चार्जर। कौन सा पोकेमॉन आ रहा मैंने पढ़ा नहीं। ओ म्यूटू वाडू है, इसके पास म्यूटू कहाँ से आ गया? म्यूटू वाई, ओके बढ़िया। आई नो तेरे पास मतलब म्यूटू है, लेकिन इस गेम में मतलब वो ओरिजिनल वाले पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू में भी नहीं था और अपना चार्जर कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, हम म्यू के सामने मतलब हमने, लेकिन कोई मतलब क्या कह रहा हूँ यार, लेकिन कोई बात नहीं। उसके म्यूटू के सामने हम अपनी म्यू को निकालते और हम ये नया वाला अटैक करते हैं जो कि है ड्रीम एंटर। हम म्यूटू के ड्रीम मतलब हम म्यूटू के ड्रीम में एंटर करेंगे भाई इससे तो। और वैसे भी अपने पास शाइनी म्यू है और कितना प्रोटेक्ट करेगी बे तू। शैडो बॉल दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, या नॉट इफेक्टिव इन हाउ सेट। ओके, अपनी म्यू कुछ खास काम नहीं आई, कोई बात नहीं। अपने पास क्रोस के नाइट है और इसको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या गुड ट्रिक मार दे, कितनी से डबल मारेगा? गुड ट्रिक खा बे तू। सुपर इफेक्टिव है लेकिन बहुत कम है, मेरे को क्यों लग रहा है हम हारने वाले, लेकिन मैं इसको ऐसे हारने नहीं दूंगा। दिक्कत मत लो तुम लोग, दिक्कत मत लो। अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे। कहाँ गया अपना ये हीलिंग वाला सामान? मैक्स कहाँ है? ये वाला चार्जर कहाँ गया अपना? ये रहा, डन है। लो, अभी दिक्कत नहीं होने वाली और में भी हो भी सकती है। डाक पर मारते यार मेरे को लगा ऐसा ही मरेगा। इसका Mewtwo काफ़ी मतलब ज़्यादा स्ट्रोंग है, ये तो पक्का है। और हम अभी एक्स नहीं कर सकते यार, कोई बात नहीं, आउट रेंज मारते अगर हो पाया तो। कैसे भाई कैसे वन हिट कैसे बे, इतना ताकतवर है क्या इसका Mewtwo? भाई सेम ही तो लेवल है अपन लोगों के। थंडरबोल्ट मार पिकाचू। ओ ये अपना पिकाचू फास्ट, अच्छी बात है, लेकिन कुछ टिक नहीं पाएगा ये। यप हाँ मारने वाले, मेरे को पक्का मालूम है। मे बी या मेरे को अपने जो रिवाइव से उसको यूज़ करना चाहिए, वरना मार सकते हैं भाई। अपने पिकाचू पे हम यूज़ करेंगे क्योंकि अपना पिकाचू को मतलब फास्ट है, सो या वो संभाल सकता है आगे। सेव कार्ड यूज़ करते अगर हो पाया तो, नहीं हो पाएगा जो कि ओके। पिकाचू थंडर मार, ओके थोड़ा ही बचा है, पैरालाइज हो जाए प्लीज़। और मरियो मत साले तू। हाँ मैं अभी बोला कि मरियो मत, उससे पहले ही मरेगा ये। कोई बात नहीं, वापस अपने पिकाचू का वो करेंगे। अगर इसने मतलब वो नहीं किया तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। या मेरे को लगा था ये यूज़ करेगा। ओके अर्थक्विक मार दे अगर हो पाया तो। ओके वापस हील कर रहा है, कोई बात नहीं, अपने को अर्थक्विक करने का मौका मिल गया। चलो ओ भाई अपने टोटेरा ने मार दिया भाई, मतलब कोई पोकेमॉन मार नहीं पाए और अपने टोटेरा ने एक शॉट में मार दिया भाई। वो क्रिटिकल हिट पड़ा लेकिन कोई बात नहीं यार, वन हिट मतलब समझ सकते हो यार, मतलब ये तो अनएक्सपेक्ट हो। मतलब मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, हम टोटेरा को मार देते हैं, हम अपने पास पिकाचू है वो कुछ कर लेगा, लेकिन अपने भाई टोटेरा ही काफ़ी है भाई। टोटेरा के जय हो, टोटेरा आप ही बोलते भाई। बेटे तेरे को तो हरा दिया हमने, चिम पे दे दे। 10,000 दिए भाई उसने, 10,000 लिटरली। द अर्थ बेज मेक्स पोकेमॉन ऑफ एनी लेवल अबाउ विदाउट क्वेश्चन, इट इज़ एविडेंस ऑफ योर मास्टरी एज पोकेमॉन ट्रेनर, विथ इट यू कैन चैलेंज द पोकेमॉन लीग। ओ ये फाइनली हम अभी वहीं पे जाने वाले, और सबसे पहले तो अपने को वो विक्ट्री रोड मतलब क्लियर करना पड़ेगा। ऑल्सो टेक दिस TM, कौन सा है भाई वो? इसने अपने को अर्थविक दिया, ओके ये तो मतलब है अपने पास। और रेड सो गैस, हमने हमारा जो लास्ट बैच है वो फाइनल हासिल कर लिया। और यहाँ से अपने को आगे मतलब वैसे गेरी मिलने वाला है। गेरी तो क्या मतलब हमने उसका नाम गोकू रखा है, गोकू अपने को मिलने वाला। सो हम अपने पिकाचू का आगे रख लेते हैं क्योंकि उसके पास पिजोट ही होगा सबसे आगे। सो या और यहाँ पे हम पे सेव कर लेते हैं। पता चला अभी वहाँ पे कुछ हो गया और अपने को मतलब कुछ ग्लिच विच हो गया और अपने को वापस गियोवानी के साथ फाइट करनी पड़े। वैसे उसका मतलब Mewtwo मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बे, लेकिन हमने मतलब हमारे टोटेरा ने मतलब हरा ही दिया। और यहाँ पर सामने मेरे को गोकू दिख रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही महंगी यार लस्ते तुम अड़े हुए हो। और यहाँ पे अपने को मतलब हमारा जो Mew है वो मिला था, शाइनी Mew, जो कि उसके बाद इसने कुछ खास मूव सीखे नहीं। और यहाँ पे रहा हमारा गोकू, और पता नहीं क्यों ये हमसे फाइट नहीं कर रहा भाई। अपने पास लास्ट में तो आ चुका है पर ये फाइट क्यों नहीं कर रहा मेरे को पता नहीं, देखते हैं। हाँ भाई अपने पास अपना लास्ट बेस तो आ चुका है, ये फिर भी फाइट नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत की बात ही नहीं अपने को। हम भाई एंटर करते हैं अपने मतलब पोकेमॉन लीग में। और राइट भाई ये ले अपने पास सारे बेजे भाई, रोक क्यों मत अपने को। ओके इसने तो नहीं रोका अपने को, अच्छी बात है। अरे नहीं मतलब ये सब पढ़ना भाई, इंडिगो प्लेटो बेटो। अरे यार ये लोग काफ़ी अच्छे बंदे हैं ना, मतलब यूजुअली आप लोगों को पता होगा तो सारे गेम्स में मतलब अपने को ये सारे मतलब बंदों से मतलब अपने को ये सारे बंदों को दिखाना पड़ता है कि अपने पास ये बेच है। लेकिन वो मेन बंदे ने मतलब जो सबसे आगे बंदा था उसने मतलब हमने उसको सारे पेज दिखा दिए और उसने बोला कि दिक्कत मत ले, आगे तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। और ये लोग कर भी नहीं रहे, अच्छी बात है यार ये। और राइट सो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और मैं ये फालतू की चीज़ ना करूँ तो अच्छा होगा। ओके आगे और यहाँ पे एग्जेक्यूटोर है और ये सारे पकवान से जो कि अपने को नहीं चाहिए यार वैसे। ओ यहाँ पे अपने को ये मिला लेकिन पता नहीं मतलब मैंने ऐसी कितनी सारी मतलब चीज़ें छोड़ दी होगी। और सामने एकन से और यहाँ पे मैंने एक केव देखी थी आई थिंक, या यहाँ पे केव है। और अपने को दो वो भी मिले, क्या कहते हैं SS एनिन। ओ भाई यहाँ पे एक नया रास्ता है बे, ये तो कुछ अलग ही रास्ता है यहाँ पे। आ जाओ भाई वापस चलो यहाँ पे। और मैं पहले आगे देखना चाहता हूँ आगे क्या है। और यहाँ पे कुछ नहीं और यहाँ पे भी ओके ये वाली क्यों तो हमने वही तो देखी थी। ओ यहाँ पे नर्स जोइए, बढ़िया लो। और मैं यहाँ पे पहले सेव कर लेता हूँ और फिर हम पहले वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या है भाई। मतलब वहाँ पे SS ने मतलब एनिन थी और वहाँ पे अपने को कोई दिखा था जो कि ये मे भी गेरी है या फिर वो है अपना गोकू। देखते भाई बात मतलब करेंगे तभी पता चलेगा। ओके इसका नाम नहीं बता रहा और ये कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है लेकिन कुछ तो है यहाँ पे दिक्कत की बात। भाई बड़ी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू इंग्लिश में बोल सकता है तो। ओके फाइट होगी। वाडू है, क्या हो रहा है यहाँ पे? आर यू सीरियस? यहाँ पे अपने को ये मिल जिराची, वैसे मेरे को नहीं चाहिए फिर भी। अगर इसको मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा यार, मैं इसको वापस रिस्टार्ट करता हूँ यार। मेरे को मतलब वैसे भी मतलब ये कुछ जिराची विराची मतलब ऐसे कुछ चाहिए नहीं क्योंकि मेरे जो सारे फेवरेट पोकेमोन है वो मेरे पार्टी में ऑलरेडी है। सो मेरे को मतलब इतना कुछ खास मतलब मेरे को लेजेंडरी का शौक नहीं। और मेरे को पता है अभी ये चीज़ मतलब सुनने के बाद तुम काफ़ी सारे मतलब बंदे यहाँ पे नाराज़ हो चुके होंगे लेकिन यार यही मतलब ट्रूथ है। सो रिसेट मारते हैं भाई। और राइट सो हम वापस तो आ चुके और वापस इसके पास। ओके इस बार ये मांग रहा है मतलब बेजिस, पता नहीं कि पहले ग्लिच था या फिर अभी ग्लिच हो रहा है। वैसे मतलब मेरे को पता है कि अभी आप ये बोलोगे कि भाई तूने क्या किया, लेकिन यार मतलब मेरे मोस्ट ऑफ जितने भी जो फेवरेट पोकेमॉन है वो यहाँ पे मोस्ट ऑफ तो क्या बस दो ही मतलब मेरे जो फेवरेट पोकेमॉन है वो है, एक तो टोटेरा है एक चार्जर मेरी टीम में है। और तो भाई मेरे फेवरेट में एक इन्फर्नेप है एक ग्रेनिजा है। और हम आ चुके भाई विक्ट्री रोड में वैसे। और ये अपने को ये पजल वजल ये सब अपने को करना पड़ेगा भाई, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो राइट ऊपर अपने को एक माचोक दिख रहा है, माचोक ही बोलते हैं या फिर माचोक बोलते हैं पता नहीं मेरे को मतलब याद नहीं है। चलो भाई इसको अभी हिलाना पड़ेगा, वो वाला हिलाना नहीं अभी से कह रहा हूँ। और राइट पजल टाइम जो कि एकदम इजी है। और ऑलमोस्ट हो ही गई। लो मैं भी मेरे को ये नहीं करना था या। और राइट अभी मैं सही कर रहा हूँ या इस बार सही है। चलो ये यहाँ पे हमने ये तो खोल दिया एक ये चीज़। और या अपने को यहीं पे आना था और सामने और भी टर्न से। सो यार मतलब मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा विक्ट्री रोड खाली करके लेने के बाद मिलता हूँ आप लोगों को। और राइट सो गाइस काफ़ी सारी पजल को सॉल्व करने के बाद और काफ़ी सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद हम फाइनली बाहर निकलने वाले क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता भी मिल चुका है और नर्स जो भी मिल चुकी है। और ये बंदा अपने को डबल एस सिखा रहा है और मैंने अपने म्यू को भी सिखा लिया। और भाई अपने पोकेमॉन को नर्सरी को दिखाते हैं क्योंकि भाई अपने पोकेमॉन्स की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई। क्योंकि भाई हमने पूरे के पूरे विक्ट्री रोड के सारे ट्रेनर्स को हरा दिया। और भाई अभी फाइनली हम चलते हैं पोकेमॉन लीग्स की ओर। और यहाँ पे मेरे को दिख चुका है हमारा राइवल और अपने को यहाँ पे 2 रेयर कैंडी भी मिल चुकी है। और उससे पहले मैं यहाँ पे पहले सेव कर देता हूँ भाई, जाने सेव। सारा अब जाके यहाँ पे फाइट करेगा, बताओ। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से फाइट करने से मतलब उससे बड़ी आप ये यहीं पे फाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं। आर्केनाइट अपने पास भी चार्जर्ड है, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम अपने ब्लास्टर्स को निकालते हैं। राइट, फायर ब्लास्ट, दिक्कत की बात नहीं, अपने पास सर्फ है। ओके, 1 हिट नहीं हुआ, लेकिन इसके 60 मतलब 85 लेवल के पोकेमॉन से मे भी हम इसको मतलब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब इसके मतलब ज़्यादा लेवल के हो जाएंगे। और राइट, ये इसका आर्कनेट हो गया। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है भाई? पिजियोटो आ रहा है इसका, पिजियोटो। ओके, पिकाचू निकालते हैं भाई अपना, थंडर मारते भाई। और मैं भी ख़त्म, 1 हिट। अरे भाई 1 HP में रह गया। ठंडा बोल मारते। और राइट, 2 पोकेमॉन गए इसके। और राइट, नीडोकिंग है इसके पास, दिक्कत की बात ही नहीं। अपने पास चार्जर्ड है और वो मारते क्या कहते हैं, आउट रेंज मैक्स करके इसको, एंड आउट रेंज। और राइट, 1 हिट, बढ़िया है। मेरे को लगा ऐसा तभी मैंने इसको निकाला। इसका कौन सा पोकेमॉन था, देख नहीं पाया। ओके, एलेक्जाम था, दिक्कत की बात नहीं। ओके, ये भी मेगा करेगा जो कि ओके, ये साइकिक से दिक्कत हो सकती है अपने को। लेकिन एक और थ्रो काम हो गया अपना। आखिरी पोकेमॉन कौन सा है इसका? ईवी। इसने अभी भी ईवी रखी है, इवोल्व भी नहीं किया इसने। अरे ये कंफ्यूज हो गया, निकालते इसको, मतलब चेंज करते। टोटेरा निकालते भाई ईवी के बदले, मतलब ईवी के सामने बदले किया। राइट, डबल एज मार रही है, दिक्कत की बात ही नहीं। अपने पास अर्थक्वेक है। ओके, 1 हिट नहीं हुई। गीगा ड्रिल मारते, रिस्टोर करेगी, मेरे को लगा ही था। डैम बॉय। और राइट, एक और रथविक मारना पड़ेगा अपने को। वापस से डबल एज, और इस बार इसने अच्छा खासा डैमेज दिया। वैसे भाई कितनी बार फुल रिस्टोर करेगी तू? अर्थक्वेक 20 कैश ने, इस बार तो आई थिंक हम कर सकते हैं। चलो ठीक है। रील भाई कितनी बार करेगा तू? हार मान ले यार तू। अर्थक्वेक, अब तो हो जा। वापस से इसने भी इसका मतलब नेक्स्ट बार में इसका वो वापस हो जाएगा। चलो भाई, अपनी थोड़ी हेल्थ भी गेन हो गई इसके बदले। लेकिन यार इसने बहुत ज़्यादा अपने मूव यूज़ करवा लिए, और इसने एक्सपी भी कुछ खास नहीं दी यार, क्या टीवी थी। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा था, देख नहीं पाया मैं। ब्लास्टॉइस। में भी गिर मारते हम, देखते। प्रोटेक्ट करेगा तू? देखो वैसे अपने को दिक्कत हो सकती है इसके ब्लास्टॉइस से। ओह या, मेरे को लगा था अभी मर जाना चाहिए। ओ ये हमने इसको हरा दिया भाई, गो को। और अपने सारे के सारे पोकेमॉन्स मतलब जिंदा भी है, बढ़िया भाई। ऑलराइट, बस 3000 रुपये दे यार। तो उससे से तो वो वाले बंदे थे, वो विक्ट्री रोड वाले, वो भी ज़्यादा पैसे दे रहे थे मेरे को। और नैनटेल्स है यहाँ पे। पहले भाई हील करते हैं अपने पोकेमॉन्स को। और राइट, सो गाइस आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। और मेरे को कमेंट में बताओ आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो नीचे देखो एक लाइक का बटन होगा, उसको दबा दो। और कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो क्या करो, नीचे देखो एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा के ग्रे कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले एलिट 4 को डिफीट करने के लिए, और हम फाइनली इस गेम को मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और चैंपियन बन जाएंगे कैंटो रीजन के। और ये मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी और गेम के साथ। टिल देन बाय बाय।